हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 1 मिलियन जीके क्वेश्चन सीरीज इन हिंदी में यूट्यूब पर पहली बार। इसका पार्ट 5 लेकर आए हैं। 4 पार्ट पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और आप लोगों ने बहुत ही सराहा है इस प्रयास को और आपकी कमेंट्स भी आ रहे हैं मेरे पास इस जीके क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो मैं गारंटी और श्योरिटी से आप लोगों से कहती हूँ, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपको कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो MBBS का हो, KVS का हो, UPPSC का हो, MPPSC का हो, प्री एग्ज़ाम तो निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरे साथ बने रहिए ऐसे ही, और मेरे चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। उस चैनल पर आप लोगों को दिखाई जाएंगी UPPSC मेंस, MPPSC मेंस, KVS, NVS, CTET आदि सभी से रिलेटेड वीडियोस उस चैनल पे हैं, प्लेलिस्ट में है। और हमने एक नई सीरीज स्पेक्ट्रम का सार संग्रह शुरू किया है जो आपको मिलेगी हमारी सीरीज पर, हमारे चैनल पर। वो आप वहाँ से देख सकते हैं और उसकी PDF भी आप लोग उस चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और सक्सेस मंच पेज के लिंक से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं कि पार्ट 5 में आज कौन से क्वेश्चन हैं हमारे पास, इंडिया से रिलेटेड, वर्ल्ड से रिलेटेड कौन से टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 में। चलिए देखते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूट ना जाए क्योंकि एक एक मार्क्स की बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। तिरंगा के बीच एक चक्र होता है जिसका रंग नीला होता है और जिसमें 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता थे पिंगली वेंकैया। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्माती सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इम्पोर्टेंट डेट है, लर्न कर लीजिएगा। आम लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति मिली थी 26 जनवरी 2002 से। भारत का झंडा गीत जो है विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना की थी श्री श्याम लाल गुप्त पार्षद ने। सक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फागुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है और यह सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा गया सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह होते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को, मतलब कि 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था जिसके अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण दत्त। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्व बोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। बंगला साहित्यकार बंकिम चंद चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया था। राष्ट्रगीत का प्रथम जो प्रकाशन हुआ था वो 1882 में बंकिम चंद चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया जिसके अध्यक्ष थे रहमतुल्ला सयानी। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन ये हो चुका है क्वेश्चन 1882 में बंकिम चंद चटर्जी द्वारा आनंद मठ में हुआ था। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक थे ओमकार नाथ ठाकुर जिनकी धुन जादुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी राष्ट्रगीत की धुन। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से और उनका समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है जिसको नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन कहते हैं। राष्ट्रीय पशु बाघ है जिसे पैंथ्रा टाइग्रिस लिन्नायास कहते हैं। और राष्ट्रीय फल आम है जिसे
मैनिगीफेरा इंडिका कहते हैं और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है जिसे फाइकस बेंथालेसिस कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को 2010 में घोषित किया गया है। बजट के बारे में कुछ मेन फैक्ट याद कर लेते हैं, भारत में और विश्व में बजट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। बजट शब्द फ्रेंच शब्द के बजट से बना है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। सबसे पहले 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ किया गया था। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट पद्धति का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को कहा जाता है, इम्पोर्टेंट नाम है इनका। बजट समवर्ती सूची में आता है। सबसे पहले बजट लोकसभा में पेश होता है, उसके बाद ही राज्यसभा में जाता है। सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को पेश करता है, जिसकी रचना का दायित्व वित्त मंत्रालय पर होता है। सामान्य बजट में 109 मांगों, जिसमें 103 लोक व्यय से और 6 सुरक्षा व्यय से संबंधित होती है, 109 मांगों में विभाजित होता है बजट। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय वर्ष कब होता है शुरू। रेल बजट को रेल मंत्री पेश करता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक वर्थ समिति की संस्तुति पर 1924-25 में किया गया था। रेल बजट में कुल 23 मांगे होती हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षडमुखम चेट्टी ने पेश किया। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव हासिल हुआ था। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति थे मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का जो अंतर होता है उसे बजटीय घाटा कहा जाता है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदंबरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का अर्थ हर बात बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987-88 में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। संविधान का अनुच्छेद 112 वित्तीय विवरण तैयार करने का उल्लेख करता है, या फिर बजट जिससे रिलेटेड है वो अनुच्छेद 112 है। नेक्स्ट देखेंगे वैट का संबंध बिक्री कर या व्यापार कर से होता है। विश्व में वैट या फिर मूल्य संवर्धित कर कहा जाता है, जिसे को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस था, जिसने 1954 में इसे लागू किया था। वैट की वर्तमान दर 5% है। फिलहाल में GST चल रहा है, वैट को हटा दिया गया है। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 से 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। वैट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा और अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश है। वर्ष 1994-95 में पहली बार सेवा कर लगाया गया था, जिसका वर्तमान दर 14% है। सिनवेट उत्पाद शुल्क कर से संबंधित है। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु चलैया समिति का गठन किया गया था, जो कि 1991 में बनाई गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं, हिंदी भाषा से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, इसके बारे में सारे फैक्ट्स लर्न करेंगे आज। तो संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार, मैं अगर इसे इंग्लिश में बोलूं जिसको हिंदी काउंटिंग नहीं आती है, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरी भाषा बांग्ला है।
भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के अष्टम अनुसूची में मतलब कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 भाषाएं थी। मतलब जब बनी थी ये 8वीं अनुसूची जब 14 भाषा थी, बट अब 22 भाषाएं हैं। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजे खेर थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर तथा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंग्रेजी को नागालैंड तथा मेघालय में तथा उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत का प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि हैं। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि कहे जाते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा जो है वो सुमेरियन भाषा है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला में स्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट है 1792 में। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। आशुलिपि मतलब शॉर्ट हैंड। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत 75 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। विश्व के वेटिकन सिटी में विश्व की सभी भाषाएं मान्य हैं, सभी भाषाओं को वहां मान्यता प्राप्त है। तो आज ये ख़त्म होते हैं हमारे 3 पॉइंट्स हमने आज इसमें देखे, भाषा से संबंधित, राष्ट्र चिन्ह से संबंधित और बजट से संबंधित। और भी आगे वीडियोस इसी तरह के लेके आऊँगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, आपके बहुत काम की हैं। एक एक फैक्ट्स अगर लर्न हो जाते हैं तो प्री आपको निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।